सर ये बताइए, आप रानीगंज विधानसभा के विधायक हैं, यहाँ पर पिछले 5 सालों में आपने क्या, आपकी जो उपलब्धियाँ वो क्या क्या रही हैं? सबसे बड़ी उपलब्धि है बिजली के लिए काम हुआ, डिवीजन यहाँ बन गया और वहाँ पर जितने हमारे पावर हाउस सब क्षमता वृद्धि बढ़ गई, 5 MB से 10 MB हो गए। दूसरी हमारी उपलब्धि इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ बन रहा है। तीसरी हमारी उपलब्धि है माँ बराही देवी कुलदेवी हमारी शक्तिपीठ है, वहाँ भी काम हुए हैं, सौंदर्यीकरण हो रहा है और दादूपुर का स्टेशन माँ बराही धाम हो गया, ये भी मर गया। मैं पॉलिटेक्निक खमपुर दुबे पट्टी में 2 ITI हमारे बन रहे हैं, 1 देलूपुर और चलाकपुर भवसान में बन रहे हैं और हमारा ड्रग हाउस जो कि 10 करोड़ का मैं रुपया लेके आऊँ, अब दवा के लिए किल्लत नहीं होगी। पूरे रानीगंज विधानसभा में तो हम लोग सप्लाई करेंगे दवा, पूरे प्रतापगढ़ के लिए ये बहुत बड़ा ड्रग हाउस बेयर बन गया, बन रहा है सूसत में, ये उपलब्धि हमारी। ऑक्सीजन प्लांट जो हमारा ट्रामा सेंटर मैंने लगवा दिया, 50 बेड का महिला अस्पताल, 100 बेड का अस्पताल यहाँ पर है आपके प्रतापगढ़ शहर में है, 50 बेड का महिला अस्पताल हमने यहाँ बनवा दिया। ये सब काम और बिजली के लिए भी काम हुए और सड़क का जाल बिछा, 5 रोड हमारी चौड़ीकरण हो रही है, बहुत बड़े 123 रोड हमारी अंदूरी की बन रही, राज योजना की 4 रोड बन रही है, राज सड़क निधि की भी हमारी जो है 26 रोडें बन रही है। ये काम हम लोगों ने केवल और हमारा जो कि 1.5-2 साल कोरोना में चला गया, हम लोग कोरोना में जानते हो महामारी आ गई, उसमें भी हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ क्षेत्र में, आप सब जानते हो। पुलों का जाल बिछ रहा है, 14 पुल बन रहे हैं, 2 थाने बने, देलूपुर और दिलीपुर का थाना बन रहा है, 2 चौकी बन रही कानून व्यवस्था, 1 बीरापुर बन रही, 1 कसरुआ बन रही, ये सब काम हम लोगों ने अभी, हमको तो मैं कहूँगा 4.5 साल हो रहा है, लेकिन हम लोग कोरोना में 1.5-2 साल चले गए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो काम मैंने विकास का काम किया, 2 टाउन एरिया मेरी बनी, 1 पृथ्वीगंज, 1 हमारा सोनसा बना और आप जानते हो रानीगंज का सीमा विस्तार भी हमने किया जो कि अभी नई टाउन एरिया, उसका सीमा विस्तार भी हम लोग, तो समझ लीजिए 2.5 टाउन एरिया भी मैंने बनवाया। तो ये सब काम हम लोगों ने ये समझ लीजिए 4.5 साल हो गया। इलेक्ट्रिसिटी और जो है सड़कों पर आपने काफी काम किया, क्या कमियां रह गई जो आगे आने वाले विश्वविद्यालय बनवाना है रानीगंज प्रतापगढ़ में, हमको औद्योगिक क्षेत्र मैंने घोषित कराया है, वहाँ पर फैक्ट्री भी लगवाना है, वहाँ पर रोजगार देना है युवाओं को, खेल के प्रति बने स्टेडियम एक नजियापुर और गांव-गांव में खेल के प्रति मुझको आगे ले जाना है, यहाँ के बच्चे भी स्वर्ण पदक जीते, बेटी भी जीते, बेटा भी जीते, इसमें काम करना है। तो ये सब काम हम लोगों को अभी और करना है और युवाओं को लो है हम लोग को आगे प्रोत्साहन करके उनको पढ़ाई में मन लगे, जो कि हम लोग यहीं पर सब कुछ ले आए, अभी बीफार्मा भी हमको यहाँ खुलवाना है, क्योंकि बीफार्मा डीफार्मा अभी यहाँ नहीं है, इसको भी हमको खुलवाना है, सरकारी चीज़, अपना प्राइवेट नहीं खुलवाएंगे, सरकारी चीज़ खुलवाएंगे, हमारा बेटा बेटी यहीं पर पढ़े, उसको न प्रयागराज जाना पड़े, न उसको लखनऊ जाना पड़े, न उसको दिल्ली जाना पड़े, न उसको सुल्तानपुर जाना पड़े, वो यहीं पर पढ़ाई करें। ये काम सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा इस बार विधानसभा चुनाव में रानीगंज में? सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत से काम मैंने रानीगंज में किया है, लेकिन ये भी जो रोजगार के प्रति मुझको काम करना ही मुद्दा है, तो रोजगार के प्रति हमारी सरकार ने रोजगार के प्रति बहुत ध्यान देने का, फिल्म सिटी बन रही उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने किया, रोजगार के प्रति हमारी सरकार बहुत कुछ कराए, लेकिन अभी भी हम लोग को रोजगार देना है। तो ये हम जब औद्योगिक क्षेत्र कलाएँ फैक्ट्री तो हम रोजगार दे देंगे, तो औद्योगिक क्षेत्र हो गया है वहाँ पर फैक्ट्री बनवाना है, इसके लिए हमको काम करना है।